अब सबसे बड़ी दिक्कत फोटोग्राफर के यही होने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही होने वाली है। हम क्या करते हैं, पार्टियों को करते हैं फोन। हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों, आज का जो मैंने ये टॉपिक चुना है, ये आपके फोटोग्राफी करियर में और आने वाली वेडिंग सीजन्स के अंदर अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो काफी काम आने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे मिलने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जैसे आपकी मैंने थंबनेल पे दिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें वेडिंग बुक करने से लेके वेडिंग का कंप्लीट काम करने तक कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो काम है वो अपनी शॉप पे ही ना पड़ा रह जाए, यानी क्लाइंट उसको लेके ही ना जाए, या फिर हमने वेडिंग पूरी कवर कर दी, काम हमारे पास पड़ा है, या फिर काम हमने बना दिया है, पार्टी लेके नहीं जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालती है। तो दोस्तों, मैं आपको जो मैंने मेरा जो फोटोग्राफी करियर है वो 2013 से मैंने स्टार्ट किया था, तो पिछले 10 यानी 11 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको आज साझा करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए, और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, तीन तरह के लोग आपके पास आएंगे, यानी आपके पास जो पार्टियां होती है जिनकी आपको वेडिंग्स फोटोग्राफी करनी होती है, तो तीन तरह के लोग आते हैं मेरे हिसाब से। पहली जो कैटेगरी है उनमें वो लोग आते हैं जिनका बजट सीमित होता है, और वो बेचारे बता भी देते हैं कि हमारा बजट है वो लिमिटेड है, आप इतने बजट में हमारा काम कर सकते हैं क्या। दूसरे वो लोग आते हैं जिनके पास बजट की कोई कमी नहीं है और आपको फ्री हैंड देते हैं वेडिंग के अंदर वेडिंग शूट करने के लिए, और आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको उनको देना होता है। तीसरे वो लोग होते हैं जिनसे आपको हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, यानी वो आपके पास आएंगे, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट बुक करेंगे, और यहाँ पे आपका जो मान लीजिए आपका जो पेमेंट है उसके अटकने की पूरी संभावना बन जाती है। तो इन तीनों ही तरीके के लोगों से किस प्रकार से हमें डील करनी है, इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले जो कैटेगरी के लोग हैं जो आपको बताते हैं कि हमारा लिमिटेड बजट है, अगर वो नहीं भी बताएंगे तो आपसे एक सवाल जरूर करना चाहिए पार्टी को कि बताइए भाई साहब, आपको किस प्रकार का काम करवाना है, आपका बजट क्या है। यह सवाल आपको तीनों पार्टियों से यानी तीनों प्रकार की पार्टियों से करने हैं कि आपका बजट क्या है। तो जैसे वो आपको बजट का आइडिया देंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीजें चलेंगी। मान लीजिए किसी ने बताया कि हमारा जो बजट है वो 30,000 है, 40,000 है, या इससे कम है, या इससे ज्यादा है, यानी आपको एक आइडिया दे दिया। तो अब आपको एक आइडिया बन जाता है कि पार्टी हमसे इतना ही काम करवाना चाहती है, अब हमें इस पार्टी को किस प्रकार से हैंडल करना है। आपके दूसरे जो सवाल होंगे इसी तरह के लोगों से, तो उनको आप बिल्कुल ये पूछिए कि आपको किस प्रकार का एल्मो बनवाना है, किस प्रकार की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करवानी है, ताकि मैं इस बजट में आपको ये बता सकूं, या मैं कौन कौन से मेरे जो गियर्स हैं, कौन कौन से कैमराज हैं वो मैं यूज में ले सकता हूँ। तो ये चीज़ें आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वो ये बोलते हैं कि हमारे पास ये बजट है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको सूट करता हो, हमारा काम अच्छा हो जाना चाहिए, तो आपके लिए फिर तो फ्री हैंड उन्होंने दे ही दिया। आप अच्छे सा कैमरा उनको लगाइए, अच्छी सी आपको उनको वीडियो बना के दीजिए और उनका काम करके दीजिए। एक बार इस टॉपिक को अपन ये छोड़ देते हैं। अब आते हैं अपन दूसरे प्रकार के कैटेगरी वालों के पास। जैसे ही मान लीजिए आपके पास ऐसी पार्टी आती है जिनके पास मतलब पेमेंट की कोई लिमिट नहीं है और आपसे बेस्ट करवाना चाहती है काम, तो भैया उनको आप इस प्रकार से सवाल पूछिए ताकि आपको आने वाले टाइम में ये ना कहना पड़े कि भैया मैंने तो ये फोटोग्राफी की है, मैंने तो सिनेमेटिक कर दिया, मैंने वो कर दिया, इनका तो पेमेंट है वो अलग होने वाला है। तो ये एक एक चीजें आपको क्लियर करनी है पार्टी से। तो इस प्रकार के लोगों से आपको आप सबसे पहले तो ये पूछिए कि भैया आपकी वेडिंग है, आप प्री वेडिंग करवाना चाहेंगे, तो बिल्कुल उनको एक एक चीज प्री वेडिंग के लिए बोलिए, क्योंकि प्री वेडिंग आजकल लगभग शादियों में होने वाली है। नेक्स्ट, आपका जो प्रोग्राम है वो कितने दिन का है, क्योंकि आजकल की शादियों के अंदर हल्दी, मेहंदी, संगीत, उनके बाद में रिसेप्शन, तो ये 4-5 दिन का जो प्रोग्राम होता है उनमें मान लीजिए हम अपना स्टाफ भी लेके जाते हैं, तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि शादी लंबी चलने वाली है, तो एक एक चीज़ उनको डिस्कस करिए कि हम इतने दिन आएंगे, हमारा बजट ये होगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं,
कि जैसे एल्बम होता है, तो एल्बम की जो सीट्स होती हैं उस पे आप पार्टी को पेमेंट करने के लिए बोलिए, या फिर आप पर डे का फिक्स बता सकते हैं। सिनेमैटिक के लिए आप पर डे फिक्स कर सकते हैं, कैंडिड के लिए आप पर डे फिक्स कर सकते हैं। तो ये एक एक चीज़ें आपको एक पेज के अंदर बता के आपको पार्टी को देनी है। उसके बाद में आप एक रफली आइडिया आप दे के पार्टी को संतुष्ट कर सकते हैं कि भैया ये चीज़ें आपके प्रोग्राम में होने वाली है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार की कैटेगरी के बारे में। ये इस प्रकार के लोग हैं जो आपके पास डायरेक्ट आएंगे। हो सकता है आपकी जान पहचान हो सकता है आपकी जान पहचान ना भी हो। वो आपको आएंगे डायरेक्ट, आपको पूछेंगे कि भैया इतने डेट की हमारी शादी है, आपको फोटोग्राफी करनी है, आप कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल ये जरूर पूछिए कि आपका बजट क्या है, किस प्रकार का काम करवाना है, और एडवांस एडवांस के लिए इस प्रकार के लोगों को आपको जरूर पूछना चाहिए। ठीक है, तीनों कैटेगरी के ये आपके सवाल हैं। पार्टी आपको क्या पूछ सकती है, आप उनको क्या बता सकते हैं? अब आपको क्या करना है, तीनों ही प्रकार की पार्टियों से एक और सवाल पूछना है कि भैया पेमेंट एडवांस चाहिए। अब वो कितना आपको दे सकते हैं उनके मूड पे डिपेंड करता है, या फिर आप उनको कितना कन्विंस कर सकते हैं आपके हुनर पे डिपेंड करता है। हो सके जितना ज़्यादा आप उनसे एडवांस पेमेंट निकलवा लीजिए। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद में आपको वेडिंग कवर करनी है। तो जिस पार्टी से आपने जिस प्रकार की बातें करी है, जिस प्रकार की डील करी है, उस हिसाब से अपने इक्विपमेंट लेके जाइए उनके यहाँ और फिर अपना काम शुरू कर दीजिए। शादी हो गई, शादी होने के तुरंत बाद, या फिर आजकल क्या होता है, वेडिंग्स के अंदर पार्टियां फोटोग्राफर से कुछ फोटोज मांगती है। बिल्कुल आप उनको मना मत करिए, क्योंकि हंसी खुशी का माहौल चल रहा होता है। ऐसे में आप अगर किसी बंदे को ये बोल दे कि फोटोग्राफ नहीं मिलेगी तो उसका दिल टूट जाता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल कुछ गिने चुने फोटोज उनको देनी भी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया और आपने अपना कैमरा निकाला, लैपटॉप में लगाया और कॉपी, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सिलेक्टेड पिक्चर्स उनको दीजिए। आजकल स्टेटस इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग लगाते हैं, और आपसे पार्टी खुश भी रहेगी। तो जितना हो सके लोगों को खुश रखिए। जैसे शादी कंप्लीट होती है अपने घर आइए, और उसके बाद में कम से कम 3 या 4 दिन का वेट कर लीजिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत फोटोग्राफर के यही होने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही होने वाली है। हम क्या करते हैं, पार्टियों को करते हैं फोन 3 4 दिन बाद में, क्योंकि 3 4 दिन तो वो बिजी रहते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम फोन करते हैं तो सामने से पार्टी वाले उठा के बोलते हैं फोन को, भैया कल आ रहे हैं, आप कल तक का वेट करिएगा, परसों तक वेट करेंगे। उसके बाद में फिर से करेंगे, भैया टाइम नहीं मिला, 2 दिन और रुक जाइए। उसके बाद में कॉल पे कॉल, बहुत सारी पार्टियां ऐसा करती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी करते हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टी ऐसा करती है। तो बेशक आपको पार्टी का वेट नहीं करना है। आप पार्टी से बिल्कुल ये ना कहें कि भैया फोटो सेलेक्ट करनी है, आप आ जाइए, ऐसा सवाल ही मत कीजिए। आपको सवाल क्या करना है, 3 या 4 दिन वेट करिए, उसके बाद में आपको पार्टी को फ़ोन करना है और पूछना है भैया आप फ्री कब है, भैया आप फ्री कब हैं? तो आपको वो जरूर बताएंगे कि सुबह है, शाम है, दिन में है, बिल्कुल आपको बताएंगे कि भैया हम इस टाइम फ्री हैं। तो आप अपना लैपटॉप उठाइए, उसमें सारा डेटा डालिए और पार्टी के घर पे ही पहुंच जाइए। सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है पिछले 10 साल के अंदर, कि आप अगर पार्टी को अपने पास बुलाना चाहेंगे तो आपको कम से कम 20 फोन करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप एक फ़ोन करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए सुबह शाम। पार्टी मतलब ऐसा थोड़ा है हमेशा बिजी रहेगी, उसको शाम को टाइम मिलेगा, दिन में भी मिल सकता है, दोपहर में भी मिल सकता है। आप उनके सर पे जाके बैठ जाएंगे तो बिल्कुल आपको वो टाइम देंगे। वहाँ पे बैठ के आप अपनी फोटोज पिक्चर्स जो भी है वो सिलेक्ट करिए, और जितना आपको आपने डील की है अपनी पार्टी से उस एवरेज को लेके चलिए। पार्टी जैसे फोटो सिलेक्ट करते टाइम क्या करती है, बहुत सारी पार्टियों का नेचर ऐसा होता है कि भैया अब फोटो का क्या करना है, इतनी सारी फोटोज डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, तो डिलीट डिलीट। लेकिन आपने जो डील करी है उस टाइम आपको एक आइडिया दिया था उन्होंने, तो उस हिसाब से आप कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो पार्टियां डिलीट करवा देती है, लेकिन वो आपके वेडिंग एल्बम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कुछ कैंडिड शॉट होते हैं और
वाइड एंगल शॉट होते हैं जिनमें पार्टी आपको बोलती है कि भैया इसमें क्या दिख रहा है, लेकिन वो आपको बैकग्राउंड के लिए चाहिए। और जैसे मान लीजिए कुछ शॉट्स आपके ऐसे होते हैं जो क्लोजअप होते हैं, ज़्यादातर फोकस पार्टियों का फोटो डिलीट करवाने के लिए क्लोजअप में होता है। सिंगल फोटो आ गई, काट दीजिए। भैया सिंगल फोटोज सबसे बेस्ट आपके वेडिंग एल्बम में उभर के आती है, तो आपको ऐसी फोटोज को पार्टी जब बोल भी दें कि भैया इसको हटा दीजिए, तो आप बिल्कुल उसको नेक्स्ट कर दीजिए, हटाइए मत, क्योंकि इन चीज़ों से आपका जो काम है वो आपको पार्टी को दिखने वाला है, लोगों को दिखने वाला है। तो फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, पार्टी को बोलना है फिर से कि सर जी हमने आपके पास 4-5 दिन काम किया, हमारा स्टाफ है, इतना स्टाफ हमने लगा दिया आपकी वेडिंग के अंदर, और इसमें आपका एल्बम डिजाइनिंग में भी हमें काफ़ी खर्चा होने वाला है, तो आप हमें पेमेंट थोड़ा और दे दीजिए। कुछ भी हो, कितना भी हो, आपको वहाँ पे पेमेंट ज़रूर मिलेगा। जिद भी ना कर ले कि मुझे इतना पेमेंट चाहिए, मैं लेके जाऊंगा, पार्टी को अगर आप बोलोगे तो आपको पार्टी पेमेंट देगी, ठीक है? तो 2 बार में पार्टी से आपने पेमेंट रिकवर कर लिया। अब लास्ट में क्या करना है, पेमेंट अपना थोड़ा सा और बच जाएगा, तो काम कीजिए, डिजाइनिंग कीजिए, एल्बम बनाइए, मिक्सिंग कीजिए, वीडियो बनाइए। सारा काम कंप्लीट होने के बाद में जैसे आपको लगे कि 2 दिन में मैं काम कंप्लीट कर दूंगा या 2 दिन में काम कंप्लीट होने वाला है, 2 दिन पहले आप पार्टी को फिर से फोन कर सकते हैं कि सर जी आपका काम कंप्लीट होने वाला है शाम तक, आप कब फ्री हैं, मैं आपको कब एल्बम देने आऊं। या फिर आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप अपना काम कब लेके जाएं, तो आपको पार्टी बिल्कुल ये बताएगी कि मुझे इस टाइम काम चाहिए। पार्टी आपको बिल्कुल बताएगी कि मुझे या तो अभी आप काम दे दीजिए, या फिर आप जैसे मान लीजिए कई बार होती है कि पार्टी के पास पेमेंट की दिक्कत होती है। लास्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टूडियो वाले का काम सबसे लास्ट में जाता है वेडिंग्स के अंदर, तो जब तक काम पहुंचता है तब तक पार्टियों के पास पेमेंट की शॉर्टेज हो जाती है लगभग। तो उनसे आप ऐसी डेट बिल्कुल मांगिए, या फिर पार्टी आपको ये भी बोल सकती है कि भैया 10 दिन वेट करिए, तो आप बिल्कुल वेट करें। ऐसा नहीं है कि भैया जिद पे अड़ गए कि मैंने तो आपको, आपने तो मुझे ये बोला था, मैंने तो काम कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है वेडिंग्स फोटोग्राफी के अंदर और आपको आपके रिलेशंस बनाने हैं फ्यूचर के लिए, तो आपको बिल्कुल वहाँ पे धैर्य रखना होगा। तो इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो 90% चांस ये होता है कि बिल्कुल नहीं अटकने वाला है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो मेरे से मिस हो गई, यानी आप वेडिंग में जैसे पहुंचते हैं उस दिन से आप एल्बम की डिजाइनिंग कर चुके हैं, उस दिन तक जितना भी आप टाइम ले रहे हैं, आप पार्टी को कुछ ऐसे वीडियोज शॉर्ट के रूप में या फिर आपके फोटोग्राफ्स जो एडिटेड हो, और मान लीजिए उनको एक या तो आप एक ग्रुप में जोड़ लीजिए, जैसे फैमिली मेंबर होते हैं तो उनको आप एक ग्रुप में जोड़ लीजिए, ताकि आपको आप जो कुछ भी भेज रहे हैं सेंड कर रहे हैं तो उस ग्रुप में आप एक को डालिए, सारों को वो मिल जाएगी। तो ये काम आप बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने एक ग्रुप क्रिएट किया और कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी आपने एक फ़ोटो एडिट की और उसमें डाली, तो सबके पास पहुँचेगी, सब उसको स्टेटस लगाएंगे, सब खुश होंगे। तो ऐसा अगर काम करेंगे आप, तो वेडिंग्स के अंदर फैमिली मेंबर्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे उनके रिश्तेदार रिलेटिव होते हैं, वो भी स्टेटस वगैरह देखते हैं। अगर उनमें से मान लीजिए केवल 10 लोग ऐसे मिल जाएं आपको जिनको आपका काम, आपकी फोटोग्राफी, आपने जो शॉर्ट्स बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, वो उनको अगर पसंद आ जाए, तो बिल्कुल वो बात करेंगे कि आपका जो ये वीडियोग्राफर है या आपका जो फोटोग्राफर है वो कौन है, कहाँ का है। बिल्कुल आपको शादी के अंदर ही ये एहसास होने लग जाएगा, क्योंकि ऐसी क्यूरीज आने लग जाती है स्टूडियो वाले के पास में वेडिंग्स अटेंड करते करते ही। और कई बार क्या होता है कि रिलेशंस में, पार्टी के रिलेशंस में भी काफ़ी वेडिंग्स होती है, तो वो भी ट्राई करते हैं कि किस प्रकार का स्टूडियो वाला काम कर रहा है यहाँ पे, और रिजल्ट आप उनको दिखा ही रहे हैं थोड़े थोड़े गैप में। दिन में मान लीजिए आपने 5 शॉर्ट्स डाल दिए, 5 फोटोज डाल दी, तो ऐसे ऐसे आप उनको ये जताते रहिए जब आपने काम स्टार्ट किया था और जब आपने काम खत्म कर दिया है, डिजाइनिंग विजाइनिंग सब कुछ, ये जो पीरियड है इनके बीच बीच में आप उनको कुछ ना कुछ भेजते रहिए, ताकि आपकी जो अटेंडेंस है वो बिल्कुल बरकरार रहे, पार्टी
पार्टी के नॉलेज में भी आप रहें कि स्टूडियो वाला है, काम कर रहा है अपना, और वो सतर्क भी रहेंगे कि ये जो काम है स्टूडियो का वो कंप्लीट होने वाला है, इसके लिए हमें बजट भी चाहिए, तो बजट भी वो तैयार रखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं अपनी फोटोग्राफी फील्ड में, ज़रूर आप उतारिए, उन पे अमल कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।